आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। झूलेलाल मंदिर पर चालिया 500 की रही धूम। बल्केश्वर कॉलोनी श्री झूलेलाल मंदिर पर ज्योति प्रज्वलित की 25 मई से आरंभ हुए स्वामी टेऊराम साहिब जी की चालिया उत्सव के आज 32 दिन सभी भक्तों में उत्साह दिखा। झूलेलाल मंदिर के प्रधान अशोक कोडवानी ने बताया, पूरे 40 दिन तक भक्ति भजन प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा किए जाते हैं। सतनाम साक्षी के मूल मंत्र के जाप के साथ सभी साई के भक्तों ने चालिया महोत्सव में झूमते नाचते अपनी हाजिरी भरकर अपना जीवन सफल करते हैं। साई की आरती पश्चात प्रसादी वितरण हुआ। चालिया महोत्सव 4 जुलाई को समापन पर 56 भोग के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मुख्य रूप से रजनी नौलानी, शोभा सोनी, लक्ष्मी लालवानी, मोहिनी देवी खोरेजा, हरीश सुरेश बाबानी, राजकुमार भोजवानी, सोनी सागल, वीरानी आदि मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। स्टार्ट। आपका परिचय? मेरा अशोक कोडवानी नाम है, मैं अध्यक्ष हूँ सिंधी पंचायत बंकेश्वर का। किस तरीके का आयोजन रखा गया यहाँ? ये साईं हमारे टेऊराम जी हैं, उनका साईं टेऊराम जी का 40वां चंदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, जिसका आज 32वां दिन है। तो 32वां हमारा बे नागा डेली 5:30 से 7 बजे तक का सत्संग और साईं टेऊराम जी के 40वां की कथा और उसके आरती आरती के बाद अपना प्रसाद वितरण, इसी तरीके से कार्यक्रम बे नागा चल रहा है, जो 25 तारीख 25/5/2022 से शुरू हुआ है, 4 जुलाई 2022 तक लगातार चलेगा और 4 तारीख को संपूर्ण है, जिनमें 56 भोग वगैरह, भंडारा वगैरह और भी कई कार्यक्रम उसमें होंगे। कविता मोनानी, आज यहाँ पे किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, क्या रखा गया है कार्यक्रम? हमारे सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का ये चालिया उत्सव चल रहा है, इसमें हम अपनी श्रद्धा से उनको भजन गा के सत्संग करके अपनी मौज में करते हैं और सतगुरु के गुणगान करते हैं। कितने हैं आज का? आज हमारे सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के 40वां का 32वां दिन है। यहाँ पर हम लोग रोज 40वां पढ़ते हैं और घर घर में जाकर के जोर शोर से उत्सव मना रहे हैं। हमारे सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का 136वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा, उसी के उपलक्ष में 40 दिन हमारे पास रोज प्रोग्राम हो रहे हैं। अपार श्रद्धा से लोग आकर के भाग ले रहे हैं और मौज मचा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।